गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 द नेम ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड अप टू गॉन बिफोर मी, यानी मेरे से पहले जो लोग मार्टी और जो शहीद हो गए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी अपनी मातृभूमि के लिए, तो उन सबको, ये सब पेट्रोइट को ये जो नेल्सन मंडेला क्या करता है, याद करता है। ओके, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी। आई वॉज पेन that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। ओके, तो ये सबको याद करता है और बताना चाहता है कि भाई वो लोग अभी जिंदा नहीं है कि जिसकी वजह से ये सब वो देख सके और मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, ऐसा भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पर नहीं थे, ये अर्थ पर नहीं थे। उन्होंने पहले ही स्ट्रगल करने के बाद बहुत से लोग शहीद हो गए थे। ओके, तो ये सबको रिमाइंड करता है कि भी बहुत से लोगों ने बहुत सारा दुख पेन सहन किया था, लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं उनको थैंक्स भी नहीं कह सकता। ओके, कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और ये जो अभी हमने जीत हासिल की है, जो अपार्थी नाम का एक जो रूल था वो हमने निकाल दिया है, उसको रिमूव कर दिया है, तो अभी क्या हालत है, मैं उनको वो दिखा भी सकता नहीं हूँ। ओके, न उनसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, न उनसे थैंक्स कह सकता हूँ, और न ये जो अभी हालत हो गई, अभी अच्छी हालत हो गई, तो वो मैं उनको दिखा भी सकता नहीं हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्थी नाम का एक रूल था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के जितने भी पीपल है उनके अंदर जैसे एक वाउंड यानी घाव उनके बॉडी पर, जैसे लॉन्ग टाइम तक का एक निशान हो गया था, कि जो जाने के बाद भी ये अपार्थी नाम का रूल चला गया, फिर भी ये जो वाउंड है वो ऑन द स्पॉट वो हील नहीं होगा, उसको हील होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे साल उसी कंडीशन में हमने क्या किए, बिताए हैं। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, के प्रोफाउंड हर्ट का मतलब डीप एंड स्ट्रेट, ओके स्ट्रॉन्ग, तो ये जो घाव थे वो उनके हार्ट में बहुत ही डीप तक, प्रोफाउंड का मीनिंग है डीप, ओके हार्ट में, और वाउंड यानी जो एक घाव यानी ये जो निशान है वो बहुत ही डीप है, तो उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बोस एंड वॉल्टर सिसुलिस एंड चीफ लुथिसिस द यूसुफ डेडोस द ब्राम फिस्टर्स द रॉबर्ट सोबुकजोच ऑफ द टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यहाँ पर उन्होंने जो जो लोग उस टाइम पर जो शहीद हो गए और जिन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उन सबके फ़ोटो भी दिए और सबके नाम बोले हैं कि इन लोगों ने देश को ये अपार्थी नाम का जो एक रूल था, डिस्क्रिमिनेशन लॉ था, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में ये रिमूव कर सके नहीं। लेकिन ये स्ट्रगल को नेल्सन मंडेला ने कंटिन्यू रखा, उसकी वजह से वो भी 27 ईयर उन्होंने जेल में बिताए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और यही जो एक मूवमेंट थी उनको कंटिन्यू रखा, और लास्ट में 10 मई 1994 को ही बिकम द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की ओथ लेने के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो अगर कोई भी काम है, अगर आप हार नहीं मानो और कंटिन्यू रखोगे, तो एक दिन डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो लेसन हमें इसमें सिखाता है कि आपको अपना जो स्ट्रगल है वो ऑलवेज कंटिन्यू रखना, उसमें हारना नहीं है। अगर आप हार गए तो आप कुछ कर सकते
नहीं हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखी, वो हारे नहीं, कि जिसकी वजह से उन्होंने कंटिन्यू स्ट्रगल की वजह से वो आज क्या वो एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ सके। ओके, और मैंने बोला कि व्हेन ही टेकन द ऑथ दैट टाइम ही कंप्लीटेड 8 decades, दैट मीन्स 80 ईयर। ओके, सोचो कि इंसान हैंडल होता है कि भाई 40 ईयर, 50 ईयर, 45 या 60 ईयर थक जाता है इंसान, जीने की आस भी छोड़ देता है। तो ये तो एक रूल को, एक जो डिस्क्रिमिनेशन लॉ था उसको रिमूव करना था अपार्थी नाम का। तो 80 ईयर के बाद भी उन्होंने अपना जो स्ट्रगल था, जो मूवमेंट थी, वो बिना किसी के डरे, बिना किसी के हारे उन्होंने ये स्ट्रगल को क्या रखा, कंटिन्यू रखा। तो दैट इज़ रियली बहुत ही बड़ी बात है। ये नेल्सन मंडेला की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भाई कोई भी इंसान अगर एक बार ठान लेता है कि भाई मुझे ये करना है तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ उसको हरा सकती नहीं है। एज भी नहीं हरा सकती, और इंसान सामने कितना भी प्रॉब्लम, कितने भी अगर मुश्किलें आती है, लेकिन हर एक मुश्किल को वो जीत सकता है। कब जीत सकता है? जब उन्होंने मन में एक बार ठान ली और वो उसके लिए ऑलवेज आगे बढ़ता रहेगा तब। जैसे यहाँ नेल्सन मंडेला थे, तो उनका जो जन्म हुआ था वो ये अपार्थी लॉ लगने के बाद हुआ था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन लॉ है अपार्थी नाम का, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। और स्ट्रगल करते करते एक टाइम आया तो उन्होंने वो रूल रिमूव किया और उनका एक इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में ही बिकम द प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। थैंक यू।